हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके सामने फिर अपनी एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का विषय हमारा कुछ अलग हटके है, जिसमें हम बात करेंगे उन लेडीज़ों के बारे में, उन माता बहनों के बारे में जिनके सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, जिन्हें लिकोरिया होता है और वह एक बदबूदार होता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनको उनकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो लिकोरिया होने के कारण से इनमें कई लक्षण पाए जाते हैं, जैसे औरतों के शरीर में थकान होना, नींद की कमी आना, सर दर्द, बेचैनी, चक्कर आना और पेट में कब्ज भी रहती है, और उनके सफ़ेद पानी की वजह से योनि में खुजली होती है और हाथ पैरों में भी दर्द होता है और उनके कमर में, जोड़ों में भी दर्द देखा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के विषय में बात करते हैं। तो जिन महिलाओं के योनि में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो कुछ तरल पदार्थ निकलता है वाइट रंग का, जिसे सफ़ेद पानी बोला जाता है। आयुर्वेद की भाषा में उसे लिकोरिया भी कहा जाता है। यह एक बदबूदार होता है। तो दोस्तों, इसके लक्षण तो यही है जो आपको बताएं, कि इससे शरीर में यह दिक्कत होती है। तो इनके अधिक सफ़ेद पानी जाने से इनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण ये शरीर इनका थका थका सा रहता है और इस चीज़ का ये इलाज भी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि ये बीमारी कुछ गुप्त है। तो ये अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, ना किसी को बता पाते हैं, ना किसी वैद्य हकीम के पास ये जा सकते हैं, और इनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है इसी कारण से। तो यह जो आप फल देख रहे हैं, ये जो है ये सैंबल के फल हैं, जिसमें लाल रंग का फूल आता है और उसके पीछे ये डोडा लगा होता है हरे रंग का, और इसके बराबर में जो रखा है, जो लंबी लंबी सी हैं ये पीले से कलर में, ये सतावर है। तो आप क्या करेंगे, जिनको ये परेशानी है, तो आप 50 ग्राम सतावर लेंगे, सतावर का चूर्ण, और 50 ग्राम इन डोडों को सुखाकर इनका चूर्ण लेंगे और इन दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में आप इसका 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करें, तो उससे कितना भी पुराना आपका लिकोरिया हो, सफ़ेद पानी जाता हो, वह आपका ठीक हो जाएगा। और जिनको शुगर की दिक्कत है या डायबिटीज़, मधुमेह है, तो वह इसमें मिश्री का प्रयोग ना करें, वह खाली सादा ही इसको ले सकते हैं। और जिनको शुगर नहीं है, वह इसमें संभाग मिश्री मिला लें। जैसे इसका वजन 50 ग्राम सैंबल के डोडो का फल का चूर्ण और 50 ग्राम सतावर, तो 100 ग्राम आप इसमें मिश्री मिला लीजिए जिनको डायबिटीज़ नहीं है। और आप इसका एक चम्मच, यानी 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम की मात्रा में आप इसका पानी के साथ खाली पेट सेवन करें, तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और आपके शरीर में जो भी दर्द वगैरह होते हैं, जो कमजोरी होती हैं, वह धीरे धीरे सब जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ये छोटा सा एक नुस्खा था जो आप ये देख पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक कारगर, एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो जिन किसी को इस चीज़ की दिक्कत है, इस परेशानी है, क्योंकि औरतें शर्म के कारण किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं, ना बता पाते हैं, तो आप इस चीज़ का प्रयोग करें, क्योंकि ये हर जगह मिल जाता है। आप इसका प्रयोग करें और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। और पेट को इस दवाई को लेने से पहले आप अपना पेट को साफ रखें, जिससे कब्ज वगैरह ना हो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। और आप इस चीज़ को, सतावर और सैंबल डोडे के फल को, दोनों को संभाग मिलाकर सफ़ेद लिकोरिया में, जोड़ों के दर्द में लाभ ले सकते हैं, और इससे आपको 100% फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।